सो है गाइस, तो आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस हमारे गेम के अंदर स्कॉर्पियो M1014 गन का स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, इसका 100% कंफर्म डेट क्या होने वाला है और ये किस इवेंट में आएगा, इसे निकालने के लिए टोटली आपको कितना डायमंड लगेगा, इसके साथ में हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में तो गाइस आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी पर्पल स्टेट बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हो, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा 1/2 कितने डायमंड लग जाएगा। तो गाइस पर्पल स्टेट बंडल हमारे गेम के अंदर बहुत जल्द ही रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। शायद से पर्पल स्टेट बंडल हमारे गेम के अंदर इसी मंथ में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉप अप इवेंट कौन सा होने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट टॉप अप इवेंट में हमें न्यू हाइपर बुक देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में हमें इस हाइपर बुक का टोकन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें नेक्स्ट टॉप अप इवेंट में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये वाला टॉप अप इवेंट हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी हला फिन इनक्यूबेटर इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इस इनक्यूबेटर इवेंट में हमें ओल्ड इनक्यूबेटर का बंडल देखने को मिलने वाला है। तो गाइस हला फिन इनक्यूबेटर इवेंट हमारे गेम के अंदर 25 दिसंबर को देखने को मिलने वाला है, या फिर इस डेट में एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बट ये हमें दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलने वाला है, जो की 100% कन्फर्म है। अगर आप हला फिन इनक्यूबेटर का बंडल निकालना चाहते हो, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 3000 से लेकर 4000 डायमंड लग जाएगा। अगर आप कला का अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा 1/2 कितना डायमंड लग जाएगा। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू बो स्कार गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जिसका रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर हमें लेवल 1 पे हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, बट लेवल 1 का लुक अभी रेडी नहीं हुआ है। उसके बाद हमें लेवल 2 पे हमें किल अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। लेवल 3 पे हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो की आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो की काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें 3 लेवल करने के बाद देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में हमें लेवल 4 करने के बाद हमें हीट इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें लेवल 5 करने के बाद हमें किल इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर आप इनमी को किल करते हो तो गाइस इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में इसी 5 लेवल में हमें फायरिंग इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में लेवल 6 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 6 करने के बाद देखने को मिल जाएगा, जिसका लुक काफी खतरनाक दिख रहा है। तो इसी के साथ में लेवल 7 करने के बाद हमें इस बोगन का फाइनल लुक देखने को मिलने वाला है, जिसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इस बोगन का लुक भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 7 करने के बाद देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इसी 7 लेवल में हमें इसका इमोट देखने को मिलने वाला है, बट इसका इमोट अभी रेडी नहीं हुआ है। तो गाइस इसका इमोट भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। जब इसका इमोट रेडी हो जाएगा तो गाइस आने वाली वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। तो इसी के साथ में लेवल 8 करने के बाद हमें इस बोगन का फाइनल शर्ट देखने को मिलने वाला है, बट फाइनल शर्ट भी रेडी नहीं हुआ है। तो गाइस फाइनल शर्ट भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। तो गाइस जैसे 8 लेवल में हमें स्पेशल साउंड देखने को मिलने वाला है, जो कि ओरिजिनल और स्पेशल में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस बोगन का इतना ही रिव्यू था। तो इसी के साथ में बात करते हैं जनवरी मंथ का बुया पास करीबी के बारे में। तो गाइस इस बुया पास में हमें लेवल 1 पे हमें किंगफिशर गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका लुक काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला गन का स्किन हमें 30 दिन के लिए देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें लेवल 10 करने के बाद हमें पैराशूट का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो की काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला पैराशूट का स्किन में हमें कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो गाइस जैसे 10 लेवल में हमें फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि इस बुया पास का फीमेल बंडल होने वाला है। तो यहाँ पर इसका लुक भी देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला फीमेल का बंडल हमें 10 लेवल में देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में हमें 20 लेवल करने के बाद हमें बैनर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हमें 30 लेवल करने के बाद हमें स्काई बोर्ड का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला स्काई बोर्ड का स्किन आपको कैसा लगे कमेंट करके बता देना। उसके बाद हमें 40 लेवल करने के बाद हमें जीप का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, बट इसमें हमें एनिमेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो गाइस ये वाला स्किन हमें नॉर्मल स्किन जैसा होने वाला है। तो इसी के साथ में हमें 50 लेवल करने के बाद हमें पेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इसी के साथ में 50 लेवल करने के बाद हमें मेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इस मेल बंडल को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर इसका लुक भी देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला मेल का बंडल हमें 50 लेवल करने के बाद देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में हमें 60 लेवल करने के बाद हमें अवतार देखने को मिलेगा। 70 लेवल करने के बाद हमें ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि इसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। तो इसी के साथ में हमें लेवल 80 करने के बाद हमें लूटबॉस का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जिसका एनिमेशन काफी खतरनाक दिख रहा है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर इसका लुक भी देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें
अवेलेबल करने के बाद हमें गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें परमानेंट देखने को मिलेगा। तो गाइस ये वाला गन का स्किन हमें नॉर्मल स्किन जैसा होने वाला है। तो इसी के साथ में हमें 100 लेवल करने के बाद हमें किंग फिशर गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें परमानेंट देखने को मिलने वाला है। जिसकी एंट्री बूट की बात करें तो यहाँ पर हमें रेंज डबल होने वाला है, मूवमेंट स्पीड हमें सिंगल देखने को मिलेगा, मैगजीन हमें माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी के साथ में हमें 130 लेवल करने के बाद हमें साइथ का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जिसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर इसका लुक भी देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें 140 लेवल करने के बाद हमें बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये वाला स्किन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें 150 लेवल करने के बाद हमें न्यू इमोट देखने को मिलने वाला है, जो कि थ्रोन इमोट जैसा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला इमोट आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। तो गाइस भाई के पास में हमें कुछ इस तरह का रिवार्ड देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी वन पंच मैन बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलेगा। तो गाइस इसी टोकन व्हील इवेंट में हमें फिश का स्किन भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हमें वन पंच मैन M1887 गन का स्किन भी रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हमें गुलवाल का स्किन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला गुलवाल का स्किन भी हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप ये सब रिवार्ड निकालना चाहते हो गाइस, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 4000 से लेकर 5000 डायमंड लग जाएगा। अगर आप कला अच्छा रहा तो उसके बीच में निकल जाएगा, वरना आप कितने डायमंड लग जाएगा। तो गाइस ये वाला टोकन व्हील इवेंट हमारे गेम के अंदर इसी मंथ में देखने को मिलने वाला है। साथ से ये हमें 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर स्कॉर्पियो M1014 गन का स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्कॉर्पियो M1014 गन का स्किन हमें किस इवेंट में आएगा। तो गाइस ये हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्कॉर्पियो M1014 गन का स्किन निकालना चाहते हो जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आप कला का अच्छा रहा तो उसके बीच में निकल जाएगा, वरना आप कितने डायमंड लग जाएगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर स्कॉर्पियो M1014 गन का स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इसका डेट बताने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। तो गाइस स्कॉर्पियो M1014 गन का स्किन हमारे गेम के अंदर 2024 मई मंथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 10 मई से पहले ही देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।